केंद्र सरकार का जिहड़े खेती कानूनों की वापसी का फैसला सीगा उसकी गल करते हैं। इस फैसले तो बाद भी हजे किसानी के नाल जुड़े सवाल बाकी ने ते इन सवालों से विरोधी धिर सरकार नूं घेर रही है। उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री के सोले गाँवते हुए अज पार्लीमेंट के बाहर नजर आए। मनोज झा ने तिखा हमला जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ते कीता, दोवां ने की कहा ये सुनदे। सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। क्या टिकैत साहब कोई पहली बार कह रहे हैं ये सरकार की हठधर्मिता और अहंकार है। लगातार किसान संगठन, सारे किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी के लीगल गारंटी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बाजार के हिंसक स्विंग्स में हमारे छोटे किसान मझोले किसानों को नहीं छोड़ सकते, तो व्यवस्था बनाइए ना। क्रोनी पूंजीपतियों के लाख लाख करोड़ अब तो मिनट में यूं दबा के दे देते हैं, तो कमाल का निजाम बनाया है साहब आपने। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के मुख्यमंत्री चन्नी ने किसानों के खेत मजदूरों की पूर्ण कर्जा मुआफ़ी की जो है मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्जा मुआफ़ी संबंधी केंद्र सरकार पहल करे तो सूबा सरकार अपना हिस्सा पाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रल मिल के असी इस मसले को हल कर सकते हैं। नाल ही चन्नी ने इस मसले को जोड़ा है सरकार की केंद्र सरकार की खास करके नैतिक जिम्मेवारी करार दिता है। तो यह दस्या कि जोड़ा किसान पूरे देश का ढिड भरता है, ये सरकार की ये पूरे देश की उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका कर्जा मुआफ़ किया जाए। ना ही चन्नी ने कहा कि असी दोवें जोड़ा है रल के जो कम करा कल असी जो इस अहदे पर नहीं होवेंगे तो लोग साडे कार्यकाल जो जज करे तो इस पॉइंट के आधार पर करेंगे कि असी फैसले किहो जिहे लए सीगे। तुहानूं दस्सदी है कि विरोधियों वालों जिहड़ा हैगा चन्नी सरकार नूं कर्ज़ मुआफ़ी दे चोण वादे नूं लैके घेरिया जा रहा है, जिस तों बाद मुख्यमंत्री ने कर्ज़ मुआफ़ी दे लई केंद्र सरकार का रुख किया है। तो यह रुख अजिहे वक्त विच किया गया जदों केंद्र की सरकार ने तिने खेती कानून जिहड़े ने उह वापस लै लए ने। केंद्र सरकार के बैकफुट से जाण ते जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार कर्ज़ मुआफ़ी के मामले से जिहड़ा वादा चोणां दौरान किया सीगा उस वादे ते बैकफुट ते आंदी होई नज़र आ रही। तो उधर किसान आगू अपनिया बाकी मंगा ते अटल ने, उन्हों का कहना है कि असी खेती कानूनों के नाल नाल अपने बाकी मुद्दे भी रखे सीगे, साडे बाकी मुद्दों पर भी सरकार नूं विचार चर्चा करनी चाहिए। इस दे नाल ही जिहड़ा हैगा उन्हां सरकार ते जम के निशाने साधे। अरे सरकार कहीं मिलेगी तो बताए कि सरकार मिलकर आ रही है। सरकार से हमारा है कि MSP और जो मुकदमे दर्ज है, हाँ जी, ये जब सरकार मिलेगी तो बता देंगे। ये पिछले 8 दिन से 4 क्वेश्चन अलग, ना प्रेस के लोग जा रहे ना सरकार के लोग जा रहे। जब सरकार मिलेगी तो उसको बता देंगे, पहले सरकार मिलने जब हम बता देंगे। और सरकार अभी लेगी 10 दिन लगी मिलने में। अभी उन्होंने 3 कानून वापस ले लिए हैं और उसके साथ ही हमारा जो अगली मांग थी MSP की गारंटी की, जो उसके पैरेलल मांग थी, उस पे अभी तक उन्होंने कोई विचार नहीं किया है। हालांकि कमेटी बनाने की बातें आ रही हैं, लेकिन उससे संतुष्टि इसलिए नहीं होती कि ना तो उसको कोई पारदर्शी बात नहीं कर रहे कि कौन कमेटी में लोग होंगे, कितने दिन में रिपोर्ट देंगे, किस किस पॉइंट पे वो अपनी रिपोर्ट देंगे। ये है कि Day 1 से हमने MSP, पावर बिल, एयर क्वालिटी बिल जो था उसको भी रखा था, और मोर्चे के दौरान कुछ इशूज आए, ये भी अभी मौजूद। तो थोड़ा किसानों के इन्होंने सवालों के जुड़े अपडेट भी देने, हूँ तो कुछ देर पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग हुई सी, उस तो बाद किसानों ने जोड़ा है ऐलान किया है। तो सरकार ने एक कदम अगे वधाते हुए किसान जथेबंदियों तो संयुक्त किसान मोर्चे तो 5 किसान आगुआ के नाम मंगे ने जिन्होंने MSP पर बनाई जाने वाली कमेटी भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला अज होया। दूजी गल कि MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस ने सारी सूबा सरकारों कहा है कि वह किसानों के दर्ज जोड़े परचे ने उन्होंने वापस लैन की कार्रवाई जी है शुरू की जाए। किसानों की हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाल कल किसान जथेबंदियों की इसे मसले को लेकर जोड़ा है मीटिंग भी होने वाली है। सो यह सब कुछ जोड़ा है इस खबर तो बाद जोड़ा है ये अपडेट भी थोड़ा असं दस रहे हैं कि किसानों दियां जिहड़ियां मंगां सीगियां उस ते सरकार कितना कितने अगे वधदी हुई नज़र आ